अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म उत्सव पर उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी डिस्ट्रिक्ट पार्क में कमल क्लब फेडरेशन की तरफ से क्रिकेट यमुना चैलेंज ट्रॉफी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद मनोज तिवारी ने किया। यमुना टूर्नामेंट का उद्देश्य खेल खेल में यमुना को स्वच्छ बनाना और घर घर से क्रिकेट की कला को बाहर निकालना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यमुना ट्रॉफी चैलेंज का आयोजन किया जा रहा है, ताकि खेल प्रतिभाओं को चुन चुन कर उच्च स्तर पर पहुँचाया जाए। इस यमुना चैलेंज ट्रॉफी में ऐसे उत्तर पूर्वी दिल्ली समेत 43 टीमों ने भाग लिया है और पहला मैच नंदनगरी व सुंदर नगरी के बीच खेला गया। फाइनल में जीती हुई टीम व हारी हुई टीम यमुना तट पर जाकर सफाई अभियान चलाएगी। इसी मौके पर सूर झंकार म्यूजिकल ग्रुप की तरफ से देशभक्ति और रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किया गया और गणेश वंदना के साथ प्रोग्राम की शुरुआत की गई। वहीं सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि इस यमुना चैलेंज ट्रॉफी का उद्देश्य उत्तर पूर्वी दिल्ली की उन प्रतिभाओं को बाहर निकालना है जो उच्च स्तर पर नहीं खेल पाते हैं। यमुना चैलेंज ट्रॉफी का सीजन 3 आज शुरू हो रहा है। मेरा ये मानना है कि जब व्यक्ति स्पोर्ट्स में जुड़ता है तो उसकी बहुत सारी क्वालिटी निकल के आती है, टीम को एकजुट रखने की, टीम के लिए परफॉर्म करने की, अपने परफॉर्मेंस से टीम को जिताने की, और जब ये भावना आती है तो पर्सनल जीवन समाज में भी उसका उपयोग होता है। और कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, इसलिए मैं खेल को बहुत प्रमोट करते रहता हूँ। इस क्षेत्र का सांसद रहते हुए तीसरी बार ये यमुना चैलेंज ट्रॉफी कराने का मौका मिल रहा है। हमारी कमल क्लब इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, कमल क्लब के सभी सदस्य बहुत ही मेहनती हैं और हमारे दोनों जिलों के जो जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष हैं, पार्षद हैं, उन सब लोगों के देख रेख सहयोग में ही ये टूर्नामेंट हो रहा है। हालांकि उनकी जिम्मेदारी में ये दिया हूँ कि चुनाव है, इसलिए जितना समय बचे उतना ही ध्यान देना। कमल क्लब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सक्सेस। देखिए, ये यमुना चैलेंज ट्रॉफी का तीसरा सीजन है। आज अटल जी का, जो हमारे सर्वमान्य नेता थे, उनकी जयंती है और उनकी जयंती पर आज ये मनोज तिवारी जी इसके संरक्षक है, जो हमारे सांसद भी है, प्रदेश अध्यक्ष भी, उन्होंने इस यमुना चैलेंज ट्रॉफी की शुरुआत की है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं अटल जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आज मेरे अटल जी के जयंती पर इस यमुना चैलेंज ट्रॉफी को शुरू किया गया है। इसमें स्वच्छता पर भी ध्यान दिया गया है, यमुना जी को साफ भी करना है टीमों द्वारा, और गली गली से प्रतिभा को चुन करके लाना है। ऐसी योजना खेल के माध्यम से आदरणीय मनोज जी ने की है, मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष व इसी लोकसभा के सांसद मनोज तिवारी जी ने जो ये पहल की है कमल कलम यमुना ट्रॉफी की, ये हमारे क्षेत्र के युवाओं के लिए बहुत अच्छी पहल है। इससे हमारे बच्चों का विकास होगा, बच्चे आगे बढ़ेंगे और इसी ये हो सकता है यहीं से कोई सचिन तेंदुलकर बने, कोई विराट कोहली बने, ऐसी हमें यहाँ से उम्मीद है। इस अवसर पर भाजपा नेतागण और खिलाड़ियों के साथ क्षेत्रीय जनता भी मौजूद रही। वहीं मनोज तिवारी ने क्रिकेट में दो दो हाथ भी आजमाए और कई चौके लगाकर खेल के प्रतिभा को भी सभी के सामने उजागर किया। प्रिंस सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली।